नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत की खास पेशकश हेलो डॉक्टर। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्पाइन के ऊपर, और स्पाइन के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर सौरभ रावल जी, जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के सीनियर स्पाइन सर्जन हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि स्पाइन से जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं? सो स्पाइन से जुड़ी हुई यदि हम परेशानियों का बात करें तो सबसे कॉमन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जिसकी वजह से लोगों को गर्दन में दर्द रहता है। उसके अलावा लोगों को कमर में दर्द, स्लिप डिस्क या सायाटिका जैसी परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कमर से दर्द शुरू होता हुआ पूरे पैर में जा सकता है। इसके अलावा लंबर केनाल स्टेनोसिस नामक भी परेशानी होती है, जो ज़्यादातर वृद्धावस्था में होती है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट जैसी परेशानी होने लगती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पाइनल टीबी भी एक काफ़ी कॉमन परेशानी है, और बच्चों में कुबड़ेपन की या स्कोलियोसिस की परेशानी भी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। जी, ये हम लोग बहुत सुनते हैं लोगों से कि कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए मेडिसिन से ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोग ऑपरेशन से, सर्जरी से बहुत बचने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को स्पाइन से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनका यही विचार रहता है कि हमें सर्जरी नहीं करानी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें सर्जरी नहीं करानी चाहिए। हमें सबसे पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सरसाइज से, दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करें। और मैं कहूँगा कि जो हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को, आई वुड से 95% हमारे जो पेशेंट्स होते हैं बिना सर्जरी के ही इम्प्रूव भी हो जाते हैं। यदि लेकिन किसी को इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो रहा है, या उसके पैर में पैरालिसिस आ रहा है, कि फुट ड्रॉप हो रहा है, या लैट्रिन बाथरूम का पता लगना बंद हो रहा है, या हाथों में कमजोरी आने लग रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में समझदारी इसी में है कि यदि आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो आपको टाइमली सर्जरी करा लेनी चाहिए, ताकि आप बेड रिडन स्टेट में आने से बच सकें या पैरालिसिस से बच सकें। क्योंकि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ में सर्जरी के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। लगभग मैं कहूँगा 99% सक्सेस रेट रहता है आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इस सर्जरी का। और हम लोग ये देखते हैं कि सर्जरी के अगले दिन ही पेशेंट्स वापस से खड़े होना, चलना शुरू कर देते हैं, और जनरली एक महीने के अंदर पेशेंट्स काफ़ी हद तक नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो यदि गंभीर परेशानी है और डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो सर्जरी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रूमर्स होते हैं या भ्रम होते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी और वो बेड पे आ जाएंगे, बट ये फैक्ट्स नहीं होते हैं, उनको पूरी नॉलेज कई बार नहीं होती है। ऐसा जिस तरीके से भी आपने बताया कि मॉडर्न सर्जरी की आपने बात कही, तो सर्जरी यहाँ पे कितना मॉडर्न हुआ है, किस हद तक मॉडर्न हुआ है? देखो, स्पाइन सर्जरी तो आजकल बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, बहुत तेज़ी से इसमें नई नई उपलब्धियां आ रही हैं। अगर मैं कुछ उपलब्धियों की बात करूं तो सियाम गाइडेड स्क्रूज हम लोग आजकल डालते हैं, पेडिकल स्क्रूज डालते हैं, उसी में अब आजकल ओआम आ गया है, जो कि एक तरह से सर्जरी के दौरान हम लोग सीटी स्कैन में देख सकते हैं कि हम लोग को किस जगह पे स्पाइन में इम्प्लांट्स लगाने हैं। रोबोट्स आ गए हैं जो हमें मदद के लिए होते हैं सर्जरी के दिशा को, सही ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करने के लिए कि हम लोग को किस दिशा में स्क्रू या इम्प्लांटेशन करना है। उसके अलावा बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जिससे कि हम लोग नर्वस सिस्टम को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके काम कर सकते हैं, जैसे कि हाई स्पीड बर या अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पल। सो इन सब चीज़ों की मदद से हम लोग आजकल मतलब ये सारी आधुनिक उपलब्धियाँ हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सेफली ये सर्जरी कर सकते हैं। जिन सर्जरीज का पहले सेफ्टी रेशो जो था वो करीब 80% के करीब रहता था, आज की डेट में इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इन सर्जरीज़ का सक्सेस रेशो जो है वो लगभग 99% के करीब हो गया। जी, ये माइक्रोस्कोपिक और इंडोस्कोपिक सर्जरी में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी माइक्रोस्कोप की मदद से की जाती है, और एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है वो एंडोस्कोप की मदद से की जाती है। माइक्रोस्कोप एक उपकरण होता है जिसमें हम लोग जनरली करीब 2.5 सेंटीमीटर के करीब का कट लेते हैं, और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हुए हम लोग सारा काम करते हैं सर्जरी में, जिसमें हम लोग को डिस्क को हटाना, नस के ऊपर से प्रेशर हटाना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है उसमें एक एंडोस्कोप होता है, जैसे कि लैप्रोस्कोप, जो जाके स्पाइन में जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे पहुंच जाता है, और हम एक टीवी कैमरा में देखते हुए काम करते हैं, डायरेक्टली एंडोस्कोप में देखते हुए काम नहीं करते हैं।
और टीवी कैमरा में देखते हुए हम जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करते हैं। दोनों में जनरली फ़र्क ये रहता है कि एंडोस्कोपिक सर्जरी है जो है वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे चीरे के थ्रू हो जाती है। सक्सेस रेट दोनों का ही लगभग बराबर है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है, लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरी भी आजकल काफ़ी उभर के आ रही है और ये देखा जा रहा है कि उसके रिजल्ट्स इक्वली अच्छे हैं एज माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरली पेशेंट अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, और एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है उसमें कई बार पेशेंट सेम डे भी डिस्चार्ज हो जाता है, इतना जल्दी रिकवरी हो जाती है। अभी जैसे बहुत सुनने को मिलता है कि लोग ऑफिस में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठते हैं, तो इस वजह से भी क्या स्पाइन से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है जो लोग बहुत लगातार बिल्कुल बैठ के ही? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को लंबर स्पाइन में स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, सायटिका, इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा समय तक बैठने की वजह से आ रही हैं। तो मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ कि जहाँ तक हो सके लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रहना चाहिए, रोज़ वॉक वगैरह करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है भी, उनको भी बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए कि हर 40-45 मिनट्स में वो अपने डेस्क से उठ के 2 मिनट के लिए थोड़ा टहल के फिर दोबारा बैठ जाएँ। इन शॉर्ट, कंटिन्यूसली एक जगह पे बैठे रहना स्पाइन के लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उससे हमारे डिस्क में क्षति पहुंचने का खतरा बढ़ता है। जी, तो क्या ये मतलब उम्र के हिसाब से है इसका, जैसे कि स्पाइन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं, क्या ये उम्र को देखते हुए ये बीमारी होती है या किसी बच्चे को भी हो सकती है? सो आई थिंक हर एज ग्रुप में अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, बचपन में कुबड़ेपन या स्कोलियोसिस की परेशानी होती है, यंग एज में जनरली स्लिप डिस्क या सायटिका की परेशानी होती है, ओल्ड एज डिस्क पे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि स्लिप डिस्क क्या है और सिम्टम्स क्या क्या हैं। जो हमारे स्पाइन की हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जो गद्दी रहती है जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, उसको डिस्क बोलते हैं। और यदि डिस्क अपने जगह से स्लिप होके नस को दबाने लग जाए तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। और जो नस दबती है उसकी वजह से पेशेंट को पैर में कई बार एकदम करंट जैसा दर्द होता है, जिसको कि सायटिका बोला जाता है। तो आमतौर पर लोगों को एक बार ये क्लैरिटी नहीं होती कि कमर दर्द क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, सायटिका क्या होता है। कमर दर्द बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक मुख्य कारण स्लिप डिस्क है, जिसमें डिस्क अपनी जगह से बाहर आके नस को दबाने लगती है, जिसकी वजह से सायटिका का पेन होता है। बिल्कुल, मतलब बहुत से लोगों को कमर दर्द की तो शिकायत रहती ही है, तो जब कमर में हमारे बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है तो क्या मतलब उसकी वजह ये स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, मान सकते हैं इसे? बिल्कुल, सो कमर में इस तरह का यदि दर्द हो रहा है तो ज़्यादातर वो मस्कुलर पेन हो सकता है, लेकिन स्लिप डिस्क या स्पाइन से जुड़ी परेशानी की वजह से भी इस तरह का दर्द हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जानना चाहूँगी, ये मेरे मन में बहुत टाइम से था कि जब हमारे स्पाइन का ऑपरेशन होता है उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चलने में बहुत समस्या आने लगती है, तो उस परिस्थिति में मतलब क्या वो ऑपरेशन की वजह से उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उसे हम क्या कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है? सो देखिए, जनरली हम लोगों को जो समझाते हैं वो यही बोलते हैं कि मतलब जो लोग तो ऑपरेशन से पहले नॉर्मल चलते फिरते आए हैं, ठीक है, उनको दर्द है, उनको परेशानी है, लेकिन उन्होंने सही समय पे डिसीजन लेके ऑपरेशन करा लिया, तो उसमें तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। पेशेंट्स इमीडिएटली नॉर्मली चलने लग जाते हैं, सर्जरी के अगले दिन से ही 3rd दिन तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स उस स्टेज पे आके इंडिया में ऑपरेशन कराते हैं जिसमें कि उनको ऑलरेडी पैर में पैरालिसिस आ जाता है, फुट ड्रॉप आ जाता है, ऑलरेडी पैर में वीकनेस होती है, जिसकी वजह से वो छड़ी का सहारा लेके चल रहे होते हैं, वॉकर के सहारे से चल रहे होते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं या बेड रिडन होते हैं। तो उन केसेस में हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि सर्जरी हुई और 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट वापस से नॉर्मल खड़े ना चलने लग गया, क्योंकि जब एक बार हम लोग को मतलब हाथों पैरों में वीकनेस डेवलप हो जाती है, पैरालिसिस डेवलप हो जाता है, तो उसकी रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी फिजियोथेरेपी, काफ़ी रिहैबिलिटेशन, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और 1 से 3 महीने लग जाते हैं जनरली लोगों को रिकवरी में। तो जो पेशेंट इस तरह से नहीं चल पा रहे हैं सर्जरी के बाद में, ज़्यादातर केसेस में मैं कहूँगा कि उनको सर्जरी के पहले ही दिक्कत इतनी बढ़ चुकी होती है कि ऑलरेडी उनको पैरालिसिस डेवलप हो रहा होता है, जिसकी वजह से बाद में भी समय लगता है उनको रिकवरी में। लेकिन यदि कोई पेशेंट समय रहते टाइमली डिसीजन लेके यदि ऑपरेशन कराता है, तो हम लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि हमारे पेशेंट सर्जरी के अगले दिन ही खड़े होने चलने लग जाते हैं, जब तक 3rd दिन तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, अपना वो लोग सीढ़ियों पर भी चढ़ के जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि टाइमली डिसीजन ले लेते, तो टाइमली डिसीजन इंसान तभी लेगा जब उसे समझ में आए कि ये स्पाइन से जुड़ी हुई हमारी समस्या है। तो हम कैसे पहचाने, जैसे अगर किसी के कमर में बहुत एक्सट्रीम लेवल का दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है,
तो नॉर्मली लोग पेन किलर खा लेते हैं या अरे हमने आज बहुत काम कर लिया इस वजह से दर्द हो रहा होगा या लॉन्ग सिटिंग हो गई, तो वो पहचाने कैसे कि ये स्पाइन से जुड़ी हुई ही समस्या है? देखो, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि दर्द एक महीने के ऊपर हो गया है, 6 हफ्ते के ऊपर हो गया और ठीक ही नहीं हो रहा पेन किलर लेने के बावजूद या फिजियोथेरेपी कराने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि ज़रूर अंदर कोई गंभीर समस्या है जिसके लिए आगे फर्दर टेस्टिंग या MRI वगैरह करने की ज़रूरत है। तो मैं ज़रूर ऐसे लोगों को रिकमेंड करूँगा कि उनको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी उसके अलावा यदि आपको पैर में सायटिका का दर्द हो रहा है, पैर में कमजोरी लग रही है, पैर में फुट ड्रॉप लग रहा है, पैर में पैरालिसिस लग रहा है, हाथों में कमजोरी लग रही है, लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं लग रहा, अगर इस तरह की दिक्कतें रह रही हैं तो फिर अगेन तुरंत आपको स्पाइन के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये सारे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और यदि कमर में दर्द जो है वो 6 हफ्ते से ऊपर हो गया तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका जो टेस्ट होता है स्पाइन का टेस्ट, वो किस तरीके का टेस्ट होता है? स्पाइन का जो सबसे अहम टेस्ट है वो है MRI, सबसे कॉमन टेस्ट है एक्सरे, बट एक्सरे में कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं नज़र आती क्योंकि एक्सरे में डिस्क, लिगमेंट, नसें, सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग को नहीं नज़र आते हैं, सिर्फ हड्डियाँ नज़र आती हैं। तो स्पाइन की यदि कोई गंभीर समस्या है तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर MRI रिकमेंड करेंगे, और आजकल MRI इतना कॉमनली अवेलेबल है कि आई फील कि हर बड़े या छोटे शहर में बहुत सारे MRI सेंटर्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स आराम से इसका डायग्नोसिस सही तरीके से बना सकते हैं। अगर इसका प्रॉब्लम का हमें ये पता चल जाए सिम्टम्स के बाद कि हाँ ये कन्फर्म है कि स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या है, तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिसिन से हो सकता है इनिशियल स्टेज में? बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि हमारे 95% पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, योगा से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो घबराते हैं कि नहीं हम स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो तो हमें तुरंत ऑपरेशन बोल देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आई थिंक 95% ऑफ आवर पेशेंट्स जो हैं बिना ऑपरेशन के सही हो जाते हैं। जी, ये तो मेरी कुछ जिज्ञासा थी, मेरे मन में जितने सवाल आए डॉक्टर जी मैंने वो सारे पूछ लिए आपसे। मैं चाहती हूँ कि चलते चलते अब हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ 3-4 पॉइंट्स अगर आप अपने साइड से बताना चाहें, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्पाइन से जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, और मैंने वो सवाल अगर करना। मैं ये देखता हूँ आजकल की मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया हुआ है, लोग पूरे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो उसके वजह से देखा गया है कि गर्दन का दर्द या स्पॉन्डिलोसिस की परेशानी काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि मोबाइल का यूज़ जो है वो थोड़ा कट डाउन करना चाहिए, स्पेशली मोबाइल जो है उसको हम लोग को मतलब अपने आई लेवल पे रख के यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि स्मोकिंग भी स्पाइन की परेशानी या स्लिप डिस्क या सायटिका का कारण है। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनको स्पाइन की परेशानी है, तो उनको डेफिनेटली एक और ये मोटिवेशन होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि वो लोग स्मोकिंग छोड़ें, क्योंकि ये भी स्पाइन को डैमेज कर रहा है। अच्छा, बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होगा, लोगों को लंग्स का ही है कि स्मोकिंग अगर हमने किया तो हमारा लंग्स खत्म, तो स्पाइन पे भी एडवर्स इम्पैक्ट आता है स्मोकिंग का। उसके अलावा मुझे लगता है मैं यही लोगों को कहूँगा एंड में कि एक एक्टिव जीवन शैली व्यतीत करनी चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना चाहिए, जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनको स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वो एक्टिविटी लेवल्स मेंटेन करें। योगा बहुत अच्छा रहता है, तो जो हमारा पारंपरिक योग है वो करने से स्पाइन के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा गया है। जिन लोगों को कमर में परेशानी है या जो लोग कमर की परेशानी से बचना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक योगा, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी स्पाइन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं। तो आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरी जानकारी दी आपने स्पाइन से जुड़ी हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।